हमारा मेन कैरेक्टर पैसों के लिए लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था, पर एक लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तो उस लड़की का हस्बैंड एक पॉलिटिशियन था, पैरेलल में उसके एक क्लाइंट का मर्डर हो जाता है और इसका इल्जाम उस पर आने वाला था। कैसे सिचुएशन से वो बच पाएगा, ये हम आज की हमारी मूवी अमेरिकन जिगोलो, एक हॉलीवुड मूवी हम देखने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जूलियन को देखते हैं, जो एक सेक्स वर्कर था। उसकी क्लाइंट्स हमेशा ओल्ड लेडीज हुआ करती थी। वो जो भी करता था इससे वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो काम क्या करता है। नेक्स्ट सीन में हम एनी को देखते हैं, जो जूलियन की पार्टनर थी। एक्चुअल में एनी की वजह से जूलियन को यह सब काम शुरू करना पड़ा था। वो एनी थी जिसने उसे सब कुछ सिखाया हुआ था। एनी ही जूलियन को हमेशा कस्टमर ला कर देती थी, इसलिए वो चाहती थी कि पैसों को आधा आधा बांट ले, पर जूलियन इस बात को नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में जब जूलियन वर्कआउट कर रहा था तो उसे उसके फ्रेंड लियोन का कॉल आता है। वो उसे एक काम करने के लिए कहता है। जूलियन इसके लिए पहले तो रेडी नहीं होता, क्योंकि उसे करना नहीं था। लियोन को एक फेवर चाहिए था, जिस पर जूलियन पहले तो मना करता है। लियोन ने उसे कहा कि हमारी दोस्ती के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो जूलियन इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि अपनी दोस्ती के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब नेक्स्ट सीन में हम जूलियन को उसके क्लाइंट्स मिसेज डोबरन के साथ देखते हैं। उसे एक होटल में लेकर जाती है और उसके बाद उसे एक शैंपेन सर्व करती है। वो अपना काम करके जब नीचे आया तो उसे मिशेल नाम की एक लड़की मिली, जो फ्रेंच बोल रही थी। जूलियन उसे देखकर अप्रोच करता है और उसके साथ वो फ्रेंच में बात करने लग गया। एक्चुअल में मिशेल को इंग्लिश आती थी। जूलियन उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो कहती कि मैं लॉस एंजलिस में ही रहती हूँ। बातों बातों में उसे पता चला कि मिशेल का एक हस्बैंड भी है, और ये पता चलने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। मिशेल उसे जाने नहीं देती, कहती कि मेरा हस्बैंड न्यूयॉर्क में है। मिशेल का हस्बैंड एक पॉलिटिशियन था। मिशेल को जूलियन अच्छा लगा था, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती थी। उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि एक रात का वो कितना चार्ज करता है। जूलियन ने उसे कहा कि ये सब काम वो नहीं करता, और फिर वहां से वो चला जाता है। इसके बाद जूलियन उन क्लाइंट के पास जाता है जहां पर लियोन ने उसे भेजा हुआ था। ये क्लाइंट मिस्टर हाइजमैन थे, और उनकी वाइफ जूडी हाइजमैन के लिए उन्होंने उसे बुलाया हुआ था। वो जूडी के पास जाकर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जूलियन को उसके फ्रेंड लियोन के पास देखते हैं। उसे कहता है, मिस्टर हाइजमैन को तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा लगा। बातों बातों में लियोन एनी के बारे में बात करता है। कहता है कि एनी बहुत ही सेल्फिश लड़की है, अच्छा होगा कि उसे छोड़कर वो अकेला काम करे। नेक्स्ट सीन में जूलियन अपने अपार्टमेंट में था और उसे रिसेप्शन से कॉल आता है। एक्चुअल में नीचे उसकी कस्टमर आई हुई थी और जूलियन उसे फोन पर ऊपर आने के लिए कहता है। जब वो कस्टमर ऊपर आई तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं तो मिशेल ही थी। जूलियन पूछता है कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, तो कहती है कि तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड न्यूयॉर्क में है और मुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है। जूलियन उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है पर उसके पास आ गई थी। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जूलियन अपने और एक क्लाइंट के साथ था, एक ओल्ड लेडी थी जिसका नाम था लीसा। वो दोनों मिलकर फिर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। वो फिर घर पर आया और उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें जूडी हाइजमैन के मर्डर की न्यूज आई थी। वो ये देखकर शॉक था क्योंकि जूडी अभी अभी उसकी कस्टमर रह चुकी थी। थोड़ी देर में मिशेल उसके पास आती है। उसे कहती है कि उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। जूलियन उस पर ध्यान नहीं दे पाता। उसे कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मिशेल उसे कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे है, पर जूलियन उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। मिशेल ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। जूलियन उसे रिलैक्स करने के लिए अपने रूम में लेकर जाता है और वहां पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब मिशेल का हस्बैंड लॉस एंजलिस में फिर से वापस आने वाला था। इंटीमेट होने के बाद मिशेल उसे बात करने लग गए, उसे सब कुछ पूछ रही थी, उसे जानना चाहती थी। जूलियन उसे कुछ भी नहीं बताता, उसे पूछती कि उसकी क्लाइंट ओल्डी क्यों होती है। जूलियन कहता है कि ये ठीक रहता है। एक्चुअल में अब मिशेल उससे प्यार करने लग गई थी। इसके बाद हम मिस्टर हाइमन को देखते हैं, जो डायरेक्ट टू संडे के साथ थे। हाइमन की वाइफ को किसने मारा, इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए डायरेक्ट टू ने उन्हें बुलाया हुआ था। डायरेक्ट टू ने सारी इन्फॉर्मेशन ली और उसे कहता है कि किलर एक बार आपके घर में जरूर आया होगा। उनसे उनकी वाइफ के सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछता है। डायरेक्ट टू ने पूछा कि क्या रिसेंटली उनके घर पर कोई आया था। मिस्टर हाइजमैन यहाँ जूलियन के बारे में उन्हें बता देते हैं। इसके बाद डायरेक्टर संडे जूलियन के पास आए। वो दोनों एक कॉफी शॉप में आए और डायरेक्टर ने उसे पूछा कि ट्यूजडे नाइट को कहाँ पर था। जूलियन कहता है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ था। डायरेक्टर ने कहा कि क्या उस फ्रेंड के साथ मैं बात कर सकता हूँ। जूलियन कहता है कि उसके सारे क्लाइंट्स की प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे उनकी प्राइवेसी ब्रेक होना कोई भी नहीं चाहेगा। डायरेक्टर उसे धमकाने लग जाता है, कहता है कि जूडी हाइजमैन के मर्डर के बारे में उसे बता दे, वरना उस पर वो ड्रग चार्जेस लगा लेगा और उसका लाइसेंस वो छीन लेगा। डायरेक्टर उसे इस बात के लिए जरा सोचने का टाइम देता है। जूलियन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स स्टेटन, एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो एक स्पीच दे रहा था। उसे देखने के लिए जूलियन भी यहाँ पर आया हुआ था। ये वही पॉलिटिशियन है जो मिशेल का हस्बैंड है। जब जूलियन को बात पता चलती है
तो जरा अपसेट हो जाता है। उसे बात करते वक्त बार बार मिसेस टाइटन बुलाता है और उसे ताने मार रहा था, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। जब जुलियन रास्ते से जा रहा था तो हम देखते हैं कि उसका कोई पीछा कर रहा था। उसका पीछा करने वाली एक लड़की थी। जुलियन एक शॉप में चला गया, इसके पीछे आ गए और इसके बाद हमें पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं तो मिशेली थी। वो एक दूसरे को हाई करते और जुलियन उसे कहता है कि आज उसकी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है। मिशेल को उसके साथ कुछ बात करनी थी तो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए। मिशेल जुलियन को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जुलियन कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम्हें करना चाहिए। वो रिलैक्स करने के लिए जरा मसाज लेने के लिए चला गया और वहाँ पर डिटेक्टिव संडे आ गए, जिससे रिलैक्स हो नहीं पाता। डिटेक्टिव संडे ने उसे कहा कि मैंने मिसेस विलियम के साथ बात की। डिटेक्टिव को तो पता था कि जुलियन ने उसे सच कहा था, ट्यूजडे को अपनी फ्रेंड के साथ था। पर यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि मिसेस विलियम को 7 बजे उसने घर छोड़ा था, पर मर्डर रात 10 बजे हुआ था। ये बात जब डिटेक्टिव ने क्लियर की तो जुलियन कुछ भी बोल नहीं पाता। डिटेक्टिव ने मिसेस हाइसमन की फोटो से दिखाई। वो कहता है कि पहले मिसेस हाइसमन के साथ जबरदस्ती हुई थी और उसके बाद एक भारी हथियार से उनका मर्डर हुआ था। मर्डर वेपन अब तक नहीं मिला था, पर ऐसा हो सकता है कि वेपन किलर ने ही कहीं पर छुपाया हो। डिटेक्टिव अभी तो यहाँ से चला जाता है, पर जुलियन का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। जुलियन जब घर पर आया तो उसे पता चला कि उसके घर पर पुलिस आ चुके हैं, वो उसके पूरे घर की तलाशी लेकर गए। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो एनी के पास गया, उसके बाद उन दोनों बीच पर जाते हैं। जुलियन उसे कहता है कि मुझे कोई फंसा रहा है। एनी कहती कि ऐसा कौन कर सकता है। एनी ने पूछा कि वो हाइजमन के कॉन्टेक्ट में कैसे आया था। जुलियन उसे बताता है कि उसके फ्रेंड लियोन के लिए एक फेवर कर रहा था। एनी इस बात से गुस्सा हो गई और उसे कहती कि तुम लियोन से क्यों नहीं पूछ लेते। उस पर गुस्सा आती क्योंकि पैसों को लेकर उसने उसे चीट किया था। जुलियन उसे ये सब बताने के लिए आने वाला था। अब एनी उसे कहती कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो इसके बदले में जुलियन को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। जुलियन उसे पूछता है कि कैसी मदद। उसे कहती है कि तुम्हें मेरे पास वापस आकर मेरे लिए काम करना पड़ेगा, पर जुलियन इसके लिए रेडी नहीं था। थोड़ा कन्विंस करने के बाद वो मान जाता है। एनी उसे ऑनेस्टली पूछती है कि क्या तुमने हाइजमन का मर्डर किया है, पर जुलियन इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। नेक्स्ट सीन में जुलियन मिशेल से मिलने के लिए आया, वो किस करते हैं और इसके बाद इंटीमेट होने लग गए। मिशेल को लग रहा था कि उसे एक्चुअल में प्यार नहीं करता, सिर्फ उसके साथ वो टाइम पास कर रहा है। जुलियन उसे समझाता है कि वो एक्चुअल में उसके लिए बहुत केयर करता है, पर मिशेल उसकी बात नहीं मानती। मिशेल उस पर ट्रस्ट करे, इसी वजह से उसे सब कुछ मर्डर के बारे में बता देता है। मिशेल उसे सहारा देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम मर्डर सस्पेक्ट को देखते हैं। सब लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया हुआ था और इन सब में जुलियन भी था। जुलियन अपने लॉयर के साथ डिटेक्टिव के साथ बात कर रहा था। डिटेक्टिव ने उसे कहा कि हमने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया है जिस रात मर्डर हुआ था, तो हाइजमन के घर के सामने तुम्हारी कार दूर खड़ी थी। रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच तुम वहीं पर थे। अब डिटेक्टिव को पता था कि वही किलर है, क्योंकि घर की जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो मिसेस हाइमन के फिंगरप्रिंट्स उन्हें वहां पर मिले थे। सब पूरा शक जुलियन पर ही था। इस पर जुलियन का लॉयर कहता कि हाइजमन के घर से कुछ ज्वेलरी भी गायब थी। जब उन्होंने जुलियन के घर पर इन्वेस्टिगेशन की तो क्या उन्हें वो ज्वेलरी भी मिली। अब इस डाउट की वजह से डिटेक्टिव जुलियन को अरेस्ट नहीं कर सकता और उन्हें जाने देता है। नेक्स्ट सीन में जुलियन लिसा के पास आता है। उसे वो बाहर बुलाकर कहता है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि पूरी रात वो उसके साथ था। लिसा कहती कि इस तरीके से झूठ नहीं कह सकते। तभी लिसा का हस्बैंड बाहर आ गया। उसे कहता है कि तुम एक लायर हो। ट्यूजडे को लिसा पूरी रात उसी के साथ थी। वो कहकर दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलियन जब रोड से जा रहा था तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। इस बार जुलियन उसे पकड़ लेता है, उसे पूछताछ करता है, पर आदमी उसे कुछ भी बता नहीं रहा था। उस आदमी का उसने बैग चेक किया, इससे उसे पता चला कि आदमी सेनेटर के लिए काम कर रहा था। ये वही मिशेल का हस्बैंड है। उस आदमी के सर पर अपना नंबर लिख देता है, कहता है कि अगर उसे मुझसे बात करनी है तो मुझे कॉल कर सकता है। रात में सेनेटर जुलियन से मिलने के लिए वो उसे बात करता है और साफ साफ बता देता है कि वो नहीं चाहता कि जुलियन उसकी वाइफ मिशेल से मिले। इस सिचुएशन में मदद लेने के लिए जुलियन अपने फ्रेंड लियोन के पास गया। उन्होंने कुछ बातें की और लियोन उसे मदद करने के लिए मना कर देता है। अगली सुबह जुलियन से मिलने के लिए मिशेल आई, उसे देखकर वो बहुत ही खुश था। इसके बाद वो दोनों वॉक के लिए गए। मिशेल ने कहा कि मेरा हस्बैंड चाहता है 2 मंथ्स के लिए मैं कहीं पर बाहर जाकर